नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और ये उन सभी लोगों के लिए है जो सोच रहे हैं कि इस रिसेशन की घड़ी में क्या किया जाए, कौन से स्टॉक्स को चुना जाए अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये वीडियो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है, तो प्लीज जो ट्रेडर किस्म के लोग हैं वो इस वीडियो से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि ये समय का सदुपयोग किया जाए, बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढा जाए आने वाले समय के लिए, जो मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं, या ऐसे स्टॉक्स जो आपकी लाइफ में एक बदलाव लेके आ सकते हैं, या ऐसे स्टॉक्स जो आप हमेशा से चाहते थे खरीदना जो नहीं खरीद पाए। दोस्तों, एक उम्मीद के कारण मैं आपके लिए लेके आया हूं और सोचा है कि आपके लिए कुछ अच्छा करूं, इसलिए अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से आपके लिए 6 स्टॉक्स का चयन किया है। दोस्तों, इन स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, पर हां, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि इन स्टॉक्स पे नजर जरूर रखिए और इन स्टॉक्स का एनालिसिस करके ही इन निवेश कीजिए। अपने ब्रोकर से पूछना है पूछिए, अपने एनालिस्ट से पूछना है पूछिए, जिससे भी पूछना चाहते हैं पूछिए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है आपसे शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस को और बनाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको हमें देखना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर कीजिए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं बेहद चुनिंदा इंपॉर्टेंट 6 स्टॉक्स, तो अंत तक जरूर देखिए, बने रहिए। सबसे पहला स्टॉक हमारे लिए कौन सा हो सकता है दोस्तों, गेस कीजिए। सबसे पहला स्टॉक, जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये वो दिग्गज कंपनी है जो हम हमेशा से खरीदना चाहते हैं, खरीद नहीं पाते हैं। क्यों? हमें लगता है इसका भाव बहुत महंगा है। दोस्तों, इस हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो इसने 1617 रुपए का हाई बनाया है हाल फिलहाल में, और 875 रुपए का लो भी इसने बनाया, 875। तो ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास ये कंपनी करेक्ट हुई है। ये जो रिसेशन आया है, रिसेशन में कंपनी और भी करेक्ट हो सकती है, भाव और भी गिर सकते हैं, पर दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस पर नजर क्यों रखी जाए? ये पहला स्टॉक मेरी हिटलिस्ट में क्यों हो सकता है, ये मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, ये कंपनी अगर आप देखें तो किस किस काम में है, ये रिफाइनिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर में है, पेट्रोकेमिकल्स में है, इट इज डेवलपिंग फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर आल्सो। उसके अलावा ये कंपनी ध्यान से देखिए रिटेल में भी है, रिलायंस रिटेल आपने जगह जगह देखे होंगे, रिलायंस ज्वेल्स आपने जगह जगह देखे होंगे, एनर्जी का तो दिग्गज कंपनी है ही है, टेलीकॉम में भी आ गई रिलायंस जियो को कौन नहीं जानता है, फूड में भी रिलायंस, फ्रेश की चेन्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स की भी शॉप्स हैं बहुत सारी, पूरे हिंदुस्तान में खुल रही हैं। दोस्तों, रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो पूरी वर्सेटाइल है। एक समय था रिलायंस सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से रिलेटेड हुआ करती थी, पर आज के समय में रिलायंस अपने आप में एक पोर्टफोलियो है। तो जो लोग रिलायंस को पसंद करते हैं, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अपनी किट में रख सकते हैं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक इन निफ्टी आफ्टर HDFC बैंक, लार्जेस्ट स्टॉक इन एनर्जी सेक्टर बैंक। और सबसे बड़ी बात, क्यों ना पसंद हो लोगों को, मुकेश अंबानी जो इसके मालिक हैं, अपने आप में एक बहुत ही रेपुटेड नेम है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 7 लाख करोड़ का तो अभी भी है, 7 लाख करोड़, मतलब बाजार में इतना फॉल आने के बावजूद भी जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10 लाख करोड़ को टच किया था, वहां अभी भी ये कंपनी 7 लाख करोड़ के मार्केट कैप को मेंटेन की हुई है। फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपए है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, पी इसका 18.98, वेरी अट्रैक्टिव, और आपके सामने हाई लो तो आपके सामने डिविडेंड भी पे करती है। दोस्तों, ये मेरी पहली पिक रहेगी जो मुझे पसंद रहेगी अपने पोर्टफोलियो में बनाने के लिए। दूसरी कंपनी, जी हाँ, दूसरी कंपनी जो चूज करने वाला हूं आपके लिए, वो है HDFC बैंक। मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है, आप अपनी स्टडी करके ही शामिल कीजिए। HDFC बैंक क्यों? प्राइवेट सेक्टर का ये बैंक दिग्गज बैंक है, सबसे बड़ा बैंक हिंदुस्तान का, सबसे बड़ा, सबसे सेफ, सबसे साउंड बैंक अगर कोई है तो वो है HDFC बैंक। नंबर वन बैंक निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,73,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, सोचिए दोस्तों कितना बड़ा मार्केट कैप है। डिविडेंड भी लगातार पे करती है, 0.65% का डिविडेंड यील्ड है, स्टेबल ग्रोथ हिस्ट्री रही है, साउंड मार्जिन रहे इस कंपनी के। 52 वीक हाई 1305 रुपए का था, जो अभी 738 के आसपास का लो लगा है। दोस्तों, फेयर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं दिख रही हैं, जो कंपनी आप हमेशा से लेना चाहते थे वो कंपनी आपके सामने बहुत अट्रैक्टिव प्राइसेस में है। दोस्तों, भाव और गिर सकते हैं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इन्हीं भाव पे निवेश कर देना चाहिए, निवेश अगर करना है तो 20-25-30% पैसा जरूर लगाइए उसके बाद, ताकि आपका ध्यान इन शेयर पे रहे, और हर फॉल पे 10-15% पैसा फिर से लगाइए, एक पोर्टफोलियो बिल्ड करने का बेहतरीन टाइम है। दोस्तों, तीसरी बेहद शानदार कंपनी आपके लिए लेके आया हूं जो मेरी फेवरेट है, वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स इज अ लिमिटेड पेंट कंपनी। द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंट्स,
कोटिंग्स, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू होम डेकोर, बाथ फिटिंग्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। दोस्तों अपने सेगमेंट की पायनियर कंपनी, कौन नहीं जानता एशियन पेंट्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,60,000 करोड़, इसकी पीयर कंपनीज इसके आस पास भी नहीं है। लार्जेस्ट स्टॉक है पेंट इंडस्ट्री की, दूसरा लार्जेस्ट स्टॉक आता है बर्जर पेंट, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन एशियन पेंट्स का बहुत बहुत हाई है दोस्तों। जीरो डेट कंपनी है दोस्तों। द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट दिस कंपनी इज दिस इज जीरो जीरो डेट कंपनी, मतलब इसको किसी का उधार नहीं देना, कैश में डील करती है कंपनी। इससे शानदार और साउंड कंपनी आपको नहीं मिलेगी। 2 वीक अगर देखें तो 1916 का और 52 वीक लो 1291, मतलब ये कंपनी उतना नहीं करेक्ट हुई जितनी बाकी कंपनीज करेक्ट हुई हैं। डिविडेंड यील्ड, कंटीन्यूअस डिविडेंड यील्ड 0.65% का मेंटेन किया, और हां प्रमोटर होल्डिंग 52.79%। प्रमोटर को अपने शेयर पे पूरा भरोसा है, और हां हमें भी एशियन पेंट्स से पूरा भरोसा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हाउसिंग सेक्टर की, हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की, हम बात करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की, एक ही पेंट कंपनी दिमाग में आती है, दैट इज एशियन पेंट्स। और हाँ, अगर आपको भी पसंद है ये शेयर तो इसकी एनालिसिस कीजिए, पूछिए जिससे पूछना है। एशियन पेंट्स मेरी तीसरी फेवरेट पिक रहेगी। चौथी फेवरेट पिक मेरी बजाज फाइनेंस है दोस्तों। इसके पीछे एक लॉजिक है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, इट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड इट इज एंगेज इन लेंडिंग एंड एलाइड एक्टिविटीज, मतलब ये कर्ज देने का काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और हाँ बहुत ही हिट कंपनी है दोस्तों। बजाज ग्रुप की बजाज फाइनेंस कंपनी हर घर में पहुंची हुई है। आप सोच के देखिए, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,34,000 करोड़ रुपए, 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, बहुत जबरदस्त। प्रमोटर होल्डिंग 56%, डिविडेंड यील्ड भी देती है 0.20% का डिविडेंड यील्ड है, और स्टेबल ग्रोथ इससे रही है अभी तक अगर आप देखेंगे। मार्जिन भी साउंड है, 52 वीक हाई 4900 का था दोस्तों, 4923 का, अभी कितने अट्रैक्टिव प्राइसेस में मिल रही है, 2104 का लो लगा दिया दोस्तों। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये वो कंपनी है जब बाजार में हरियाली आएगी तो ये कंपनी मल्टी बैगर साबित हो सकती है, तो इसके बॉटम बनने का तैयारी करें। देखें बॉटम कहां बन रहा है, कहां निवेश करना चाहिए सोचिए, और हां इसमें भी छोटा मोटा पैसा तो मैं जरूर अटकाने वाला हूं। तो अगला नाम इस कड़ी में जुड़ता है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, शानदार कंपनी, और इसको चूज करने के पीछे एकमात्र वजह जो मेरी रही, बहुत अट्रैक्टिव है, जीरो डेट कंपनी, फिर से एक कंपनी जो जीरो डेट है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, कैश रिच कंपनी है, कैश में काम करती है, पैसा कमाती है, खर्चती है, एक्सपेंशन करती है, ऐसी कंपनीज कभी खराब नहीं होती है। तो 772 रुपए का 52 वीक हाई था और 425 रुपए का लो लगा है इस रिसेशन के अंदर में। इसका बॉटम आउट फाइंड करने की कोशिश कीजिए, देखिए कहां से निवेश आपको शुरू करना है, अपनी एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, देखिए कहां घुसना है। पर मुझे लगता है ये कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस के आसपास में है और कहीं भी हमें ये निवेश करने का मौका दे सकती है। डिविडेंड यील्ड 2.18%, सुपर डिविडेंड यील्ड, और ग्रोथ हिस्ट्री तो बहुत ही स्टेबल और साउंड रही है दोस्तों। अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने से पहले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है, जब से JLR का इसके साथ टाइप हुआ है तब से इस कंपनी की गाड़ियां मुझे बेहद पसंद आ रही है। जहां लोग सिर्फ टाटा मोटर्स की गाड़ियां या हुंडई की गाड़ियां पसंद करते थे, अब टाटा मोटर्स की गाड़ियां लोग देख के खुश होते हैं, लोग चाहते हैं टाटा मोटर्स की गाड़ियों को ओन करना। हाल फिलहाल में इनका हरियर मॉडल लॉन्च हुआ, उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां ये देख रहे हैं, अब जगवार भी इनके पास में है, रेंज रोवर भी इनके पास में है, और जो लोअर सेगमेंट की, मिडिल सेगमेंट की जो गाड़ियां थी वो तो बेहद शानदार, बहुत खूबसूरत कंपनी बना रही है। और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो सड़कों पर अगर देखेंगे तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां सबसे पहले दिखाई दे रही है दोस्तों। वो हर सेगमेंट को टच कर रहा है टाटा मोटर्स, वो ट्रक्स भी बनाता है, कार्स भी बनाता है, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाता है, तो इस सेगमेंट को टच करने वाली गाड़ी टाटा मोटर्स है। और ये टाटा मोटर्स देखिए 239 रुपए का हाई लगा चुकी है 52 वीक में, 63 रुपीस का लो लगाया, 70 रुपए के आसपास आजकल ट्रेड कर रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइसेस, बुक वैल्यू से नीचे मिल रही है, बुक वैल्यू 73 है, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस बहुत ही फेयर आना दिखाई देती है। अपनी स्टडी जरूर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जब बूम आएगा तो ये टाटा मोटर्स कमाल करेगी, क्योंकि बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स बहुत ही सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहा है, बहुत ही साउंड जबरदस्त गाड़ी है, मजबूत है गाड़ी। मैं दोस्तों आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, पर हाँ अपनी ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूं, अपनी पसंद और नापसंद बता रहा हूं। दोस्तों ये सारी पिक्स आपके सामने मैं इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे लगता था कि आपको बताना चाहिए कि इस साल में हमें क्या करना चाहिए। तो जो भी लोग ये चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या किया जाए, इस रिसेशन का कैसे फायदा उठाया जाए, कौन से स्टॉक्स में निवेश किया जाए, ये थी मेरी बेहतरीन 6 पिक्स आपके लिए जो मैं निवेश करने वाला हूं। आप अपने निवेश करने से पहले प्लीज अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होंगे कि किन शेयर्स में हमें 2020 में निवेश करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें ताकि हमें अपनी वीडियोस को इंप्रूव करने में और ज्यादा मौका मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।